नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं दोस्तों। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। दोस्तों, इस वीडियो के PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं करवाने वाला हूं आपको इंडियन ज्योग्राफी। दोस्तों, ऑल इंडियन ज्योग्राफी करवाऊंगा, जिसका ये पार्ट सेकेंड है। आज का पहला क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, कौन सा राज्य बनाता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा बिहार राज्य है, वह है नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। दोस्तों, बिहार का नाम आया तो बिहार की कैपिटल क्या होती है? बिहार की कैपिटल होती है पटना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेपाल देश की सीमा भारत के कौन से पांच राज्यों को छूती है? तो दोस्तों, कौन से पांच राज्यों को छूती है नेपाल की सीमा, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा को छूती है नेपाल देश की सीमा। अब दोस्तों, उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ है। बिहार की कैपिटल क्या है? पटना है। सिक्किम की कैपिटल क्या है? गंगटोक है। और पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या होगी? कोलकाता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों, कितनी है इनकी सीमा की लंबाई? इसका आंसर होगा 1643 किलोमीटर है भारत और म्यांमार सीमा की लंबाई। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप, जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, उस पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो अपलोड करने का प्रयास कर सकूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार देश की सीमा भारत के कौन से चार राज्यों को छूती है? तो दोस्तों, कौन कौन से चार राज्यों को छूती है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। तो इन राज्यों को म्यांमार देश की सीमा छूती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत भूटान सीमा की लंबाई कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, कितनी है इनकी सीमा की लंबाई, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 699 किलोमीटर है भारत और भूटान सीमा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूटान की सीमा भारत के कौन से चार राज्यों को छूती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, कौन कौन से चार राज्यों को छूती है? इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम। इनकी सीमा को छूती है भूटान की सीमा। और दोस्तों, सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है, पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है, अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? ईटानगर है, और असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का कौन सा राज्य भूटान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, कौन सा राज्य सबसे लंबी सीमा बनाता है भूटान के साथ? इसका राइट आंसर होगा असम। और दोस्तों, असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर है। क्या है? दिसपुर, ये असम की कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अफगानिस्तान की सीमा भारत के कौन से राज्य को छूती है? तो दोस्तों, कौन से राज्य को छूती है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्मू कश्मीर को छूती है अफगानिस्तान की सीमा। और दोस्तों, जम्मू कश्मीर भी पाक अधिकृत कश्मीर को छूती है अफगानिस्तान की सीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की सीमा कितनी लंबी है? तो दोस्तों, बार बार एग्जामों में रिपीटेड होता है क्वेश्चन। तो दोस्तों, कितनी है इसकी सीमा? इसकी सीमा है 106 किलोमीटर। दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान की सीमा की लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? तो दोस्तों, किस राज्य की है, वह राज्य कौन सा है? दोस्तों,
वह राज्य है गोवा। तो दोस्तों गोवा राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है। और दोस्तों गोवा की कैपिटल क्या होती है? इसकी कैपिटल है पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश और भारत के कौन से पांच राज्यों को छूता है? तो दोस्तों बांग्लादेश है वह भारत के कौन से पांच राज्यों को छूता है? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन पांच राज्यों को छूता है। पहला तो हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, दूसरा हो गया असम, तीसरा मेघालय, चौथा त्रिपुरा और पांचवा कौन सा है? मिजोरम, जो बांग्लादेश को सीमा को छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है? तो दोस्तों किस देश के साथ लगती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा लगती है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या हो जाएगी दोस्तों? ढाका हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे लंबी लगती है? तो दोस्तों किस राज्य के साथ लगती है? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल राज्य के साथ बांग्लादेश की सीमा सर्वाधिक लगती है। दोस्तों पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या है? कोलकाता है। तो कोलकाता कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत और बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4096 किलोमीटर है भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत चीन सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कितनी है भारत और चीन सीमा की लंबाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 3488 किलोमीटर है भारत चीन सीमा की लंबाई। चीन की कैपिटल क्या है दोस्तों? बीजिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कितनी है भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3323 किलोमीटर है भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई। अब दोस्तों पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? पाकिस्तान की कैपिटल है इस्लामाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा भारत के कौन से चार राज्यों को छूती है? तो दोस्तों कौन से चार राज्यों को छूती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला है पश्चिम बंगाल, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है गुजरात और चौथा है राजस्थान। दोस्तों पंजाब की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और दोस्तों हरियाणा की कैपिटल भी क्या है? चंडीगढ़ ही है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर है। और राजस्थान की कैपिटल क्या है? जयपुर है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है दोस्तों? जम्मू है। क्या है? जम्मू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है? तो दोस्तों कौन सा राज्य सीमा बनाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य है जो पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों कितनी है भारत नेपाल सीमा की लंबाई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1751 किलोमीटर है भारत नेपाल सीमा की लंबाई। अब दोस्तों नेपाल है तो नेपाल की कैपिटल क्या हो जाएगी? काठमांडू। क्या हो जाएगी? काठमांडू इसकी कैपिटल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की सीमा भारत के कौन से पांच राज्यों को छूती है? दोस्तों कौन कौन से पांच राज्यों को छूती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला तो है जम्मू कश्मीर, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा है उत्तराखंड, चौथा है सिक्किम और पांचवा है अरुणाचल प्रदेश। यानी कौन कौन से राज्य को छूती है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य की सीमा चीन के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाती है? तो दोस्तों कौन सा राज्य बनाता है? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा जम्मू कश्मीर है जो चीन के साथ सबसे बड़ी सीमा बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है? तो दोस्तों कौन सी नदी बनाती है? दोस्तों यह है संकोस नदी है जो असम और अरुणाचल प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। असम की कैपिटल क्या होगी दोस्तों? असम की कैपिटल होगी दिसपुर।
ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हो जाएगी असम की कैपिटल दिसपुर, और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगी, ईटानगर। क्या हो जाएगी, ईटानगर हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है। तो दोस्तों क्या नाम है सबसे दक्षिणी बिंदु का, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट है भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है ये, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा वृहद निकोबार, या इसे क्या बोलते हैं बड़ा निकोबार भी कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, वृहद निकोबार में स्थित है इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट का पहले नाम क्या था। तो दोस्तों इसका पहले नाम क्या था, पिगमेलियन पॉइंट था। क्या था, पिगमेलियन पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है। तो दोस्तों कितनी दूरी पर स्थित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों यह है भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का क्या नाम है। तो दोस्तों क्या नाम है उत्तरी बिंदु का, क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा कोल है भारत के उत्तरी बिंदु का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कोल किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों इंदिरा कोल किस राज्य में स्थित है, इसका राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है इंदिरा कॉल। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास से शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलवा देता हूँ, अभी तक किसी दोस्त ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। दोस्तों इस वीडियो की PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों क्या नाम है पश्चिमी बिंदु का, इसका राइट आंसर होगा सर्किरिक। तो दोस्तों भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु सर्किरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु सर्किरिक कौन से राज्य में स्थित है। दोस्तों कौन से राज्य में स्थित है सर्किरिक, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। तो दोस्तों पश्चिमी बिंदु सर्किरिक है वह गुजरात राज्य में स्थित है। और दोस्तों गुजरात राज्य की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है गांधीनगर है। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड पर्सन है। तो दोस्तों इन वीडियो में मैं आपको करवाऊंगा ऑल इंडिया ज्योग्राफी, तो दोस्तों जिसका ये पार्ट दूसरा है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो पर्सन लेके आता हूँ जो आपकी ऑल कंपिटिशन एग्जाम के लिए बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।